हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्कशीट नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 3 का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रो सच दैट नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देखिए, एक गार्डनर ने 1521 प्लांट्स को ट्रीज को प्लांट किया है। इस तरह से प्लांट किया है कि जितने भी प्लांट है एक रो में जितने भी प्लांट है उतने ही टोटल नंबर ऑफ रोज भी है। ठीक है, उतने टोटल नंबर ऑफ रोज भी बनाए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज ROWS रोज इक्वल टू x। हम लोग नंबर ऑफ रोज कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ओके नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज ऑल्सो इक्वल टू x। ओके, देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज है उतना ही एक रो में ट्री है। इस प्रकार का साफ क्वेश्चन में लिख दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज है उसमें हम लोगों ने एक्स मान लिया, और एक रो में जितने भी ट्री होंगे वो भी एक्स होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, एक रो में जब एक्स ट्री होगा, ओके, और टोटल नंबर ऑफ एक्स रोज भी एक्स होंगे, तो यहाँ से हम लोग एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 1521 ट्रीज एक गार्डनर ने प्लांट किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू 1521 दिया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, और यहाँ से जब आप एक्स निकालेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, 1521 में रूट लग जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वाले वर्कशीट में किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। हम लोग इसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो रूट 1521 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इस यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा तो इसका आएगा 3 × 3 × 13 × 13। और पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्क्वायर से रूट के किसी भी नंबर को निकालते हैं तो एक नंबर निकलता है। ओके, जैसे यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 टाइम्स भी 3 निकलेगा। ओके, तो 1521 में रूट रहेगा इज इक्वल टू, हम लोग इसको रूट से हटा देंगे तो 3 × 13 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर रूट 1521 1521 इज इक्वल टू 39। ये डेरिवेशन भी आपका आ गया। ओके, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, हेंस टोटल नंबर ऑफ रोज इज 39। तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी हो जाएंगे 39, और एक रो में प्लांट कितना होगा वो भी होगा 39। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम। एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 2,02,500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक ऑफिसर जो है ये 2,02,500 कैडेट्स को स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना चाहता है। तो वहाँ पर कितने कैडेट्स एक रो में होने चाहिए, यही आप लोगों को निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन नंबर दे दिया गया है, बस आप लोगों को एक रो में कितने कैडेट्स होंगे यही निकालना है। मतलब हम लोगों को इस नंबर का सिंपली स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इसमें भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस कैडेट्स आर CADETS कैडेट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। कैडेट्स को स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया गया है, आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के फॉर्म में इन्हें अरेंज किया गया है। अब हम लोग आगे लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज।
मतलब कि जितने भी कैरियर्स एक रो में होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रोज भी होंगे। मैं आपको समझाते समझाते सारे स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ। ये सभी स्टेटमेंट आप लोग एग्जाम में लिखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। सो नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि जितने भी कैडेट्स होंगे एक रो में उतने ही टोटल नंबर ऑफ रोज भी होंगे। और टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स निकलेगा एक्स इंटू एक्स इस प्रकार से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स आपको गिवन है 2,500। ओके, ये आपके इस प्रकार का गिवन है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे डेयर फोर लिखेंगे और एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 2,500 लिख देंगे। ओके, देखिए x इज इक्वल टू अभी हम लोग अंडर रूट डालेंगे, कोई भी स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाता है तो वो रूट बन जाता है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे 7th क्लास से। अब देखिए ये रूट बन गया, अब हम लोग इस नंबर का रूट निकालना है। हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, तो हम लोग बस उसी मेथड को यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे रूट 2,2500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लेंगे 2,2500 का। इसमें हो सके तो आप लोग एग्जाम के कॉपी में आप लोग इस प्रकार से निकाल के भी दिखा सकते हैं। ओके, और ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए अब ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, फिर भी अभी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये। अब देखिए 5 से डिविजिबल होगा, 5 कितने पास में 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ओके, तो 1 आ गया, हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार का आया, ये आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 4 × 5 2 × 3 × 2 × 2। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर भी रूट लगा देंगे, पूरा रूट के अंदर है। ओके, अब जब हम लोग ये चीज़ को सीखे हैं कि कोई भी दो नंबर यदि रूट के अंदर होगा एक सेम नंबर, ओके, जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम लोग वो एक ही टाइम्स निकलेगा। ओके, तो रूट 2,2500 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5। ये देखिए पेयर बना, इसके पेयर से एक, इसके पेयर से एक, इसके पेयर से एक और इसके पेयर से एक निकला। ओके, अब देखिए रूट 2,2500 इज इक्वल टू 2 × 6 = 6, 6 × 5 = 35 = 150। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास आ गया, तो ये जो नंबर था ये 150 का स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज 150 इन ईच रो। मतलब कि हर एक रो में 150 कैडेट्स बैठ सकेंगे, तभी वो स्क्वायर के रूप में होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5,184 मीटर स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड का एरिया है 5,184 मीटर स्क्वायर, ओके, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका लेंथ उसके ब्रेथ का ट्वाइस, मतलब जितना ब्रेथ है, ब्रेथ एक्स है तो उसका लेंथ है 2x, ओके, और उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, तो हम लोगों को रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, सबसे पहले हमको क्या दिया गया, स्क्वायर फील्ड दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये दिया गया है 5,184 मीटर स्क्वायर, 5,184 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, साइड इंटू साइड
इज इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। यहाँ से लोग एक साइज जब निकालेंगे तो इसके अंदर रूट इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ओके 5184। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइज इज इक्वल टू फिर रूट लगाएंगे और इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 2 की टेबल से 2592, फिर 2 की टेबल से 1296, 2 की टेबल से 648, फिर 2 की टेबल से 324 और फिर 2 की टेबल से आप कीजिएगा 162, फिर 2 के टेबल से 81 और फिर 9 के टेबल से 9 और फिर 9 के टेबल से 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और बस इसके जगह हम लोग इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 सिक्स टाइम 2 है और × 9 × 9 इस प्रकार का हम लोग अंदर में लिख देंगे। अब हम लोग हर एक दो से मतलब 2 × 2 है तो 1 × 2 लेंगे। ओके जितने टाइम्स 2 है 6 times उसका आधा कर दीजिए, 3 times 2 लिखेंगे और 9 यहाँ पे 2 times हम लोग 1 time लिखेंगे। तो साइज इज इक्वल टू ये रूट हट जाएगा 2 × 2 × 2 × 9 ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइड आ गया स्टूडेंट्स 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 8 = 9 = 72 मीटर आ गया आपके पास इसका साइड। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 72 मीटर। ओके अब हम लोग इस साइज से हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर फील्ड का। ओके हम लोग यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे अब निकालने वाले हैं। तो वो होता है 4 × साइड, आप लोगों ने इस चीज़ को 4 साइज 6 क्लास में से पढ़ा होगा 4 × साइड। तो 4 × 72 ये आपका हो जाएगा 288 मीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 288 मीटर। अब हम लोग आ जाएंगे रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 rectangular fields यहाँ पर लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ फील्ड बी एक्स सो लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2x ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप लोग इस पेरीमीटर को यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिखता हूँ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 marks में आ सकता है, 4 marks में भी बिल्कुल आ सकता है। ओके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 288 मीटर। अब देखिए ये जो लेंथ और ये जो ब्रेथ हमारे पास आया था इसे हम लोग पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, 2 × 2l + b। ओके ये आएगा 288। अब 2 l हमारे पास है 2x और ब्रेथ हमारे पास है x इज इक्वल टू 288। हम लोग जब इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 288 से तो ये आ जाएगा 144। x का वैल्यू इससे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट देयरफॉर x इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास x आ गया 48, यहाँ से हमारे पास ब्रेथ आया 48। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 48 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2x। ओके 2x इज इक्वल टू 2 × 48, x आया 48, 2x हो जाएगा 96 मीटर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स बस आप लोगों को इसमें करना क्या था, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर फील्ड का साइज निकालना था टाइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए, और जब आप आगे पढ़िए और आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं टाइम फैक्टराइजेशन मेथड को छोड़कर, जैसे आप अगले वक्त में लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद जो भी साइज आएगा आप लोगों का स्क्वायर फील्ड का उसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम लोग
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालेंगे, उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे x और 2x को हमने यहाँ पे पुट किया, वहाँ से मैं x का वैल्यू आ गया, जब x का वैल्यू आ गया भाई हमारे लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल दिया हम लोगों ने उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि x था ब्रेथ और 2x था लेंथ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √47089 प्लस 24,336। देखिए आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों का सम करना और आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट पहले सेपरेटली निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6727, फिर हम लोग इसको करेंगे 7 से, तो यह आ जाएगा 961, उसके बाद हम लोग इसे डायरेक्ट 31 से करेंगे, तो यह आ जाएगा 31 और फिर 31 से 1। अब देखिए ये हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसा आ गया, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 47089 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 7 × 7 × 31 × 31, इस प्रकार का इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम लोग आप इस साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे और रूट लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग रूट लगाएंगे, तो 7 × 7 × 31 × 31। देखिए इसका पेयर भी हम लोग यहाँ पर बना देंगे, यहाँ भी पेयर बनेगा। अब देखिए आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया है कि जब भी आप लोग ऐसा हो कि रूट के अंदर एक ही नंबर दो बार रिपीट हो तो लोग उस दोनों नंबर्स में किसी एक नंबर को निकालते हैं। ओके, क्योंकि 7 × 7 = 49, इनका आप लोग रूट निकालेंगे तो आएगा 7। ओके, तो 7 × 31। स्टूडेंट्स, 47089 का हमारे पास स्क्वायर रूट 217 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। देखिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 24336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 13 × 13। देखिए हम लोग यहाँ पर इसका पेयर भी बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसमें इसके ऊपर रूट डाल के, और यहाँ पर हम लोग वहाँ रूट डालेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 156। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ओके, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना था √47089 का प्लस 24,336 का, हम लोग यहाँ पे इसे आगे फर्दर करते हैं। देखिए √47089 प्लस √24336 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 217 प्लस 156। यहाँ पे इक्वल टू ये लोग डालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 373। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के रूट का सम हो जाएगा 373। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था दोनों नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 3, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे एजुकेशन वीडियोज़ लाते रहता हूँ। स्टूडेंट्स, किसी और सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। Thanks for watching.